मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। रीनीट की डिमांड काफी स्टूडेंट कर रहे हैं और कोर्ट में जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रीनीट की कितनी संभावना हो सकती है, एनटीए रिजल्ट कब जारी करेगा, ओएमआर सीट कब आएगी और उसके बाद में आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगी, काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी, इस वीडियो में हम ये सब चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर काउंसलिंग के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ अपडेटेड वर्जन इसका डाल दिया है। इसमें फीस स्ट्रक्चर्स, सीट मैट्रिक्स, च्वाइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप हमारी काउंसलिंग बुक डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीनीट की कोई संभावना नहीं है। इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी समय ही नहीं बचा है। रीनीट की प्लानिंग के लिए काफी समय लगता है, सेंटर अवेलेबल करने के लिए पहले सेंटर्स को मैसेज देना होता है, तो इसमें काफी समय लगता है एग्जाम की प्लानिंग के लिए। तो ये बिल्कुल ही संभावना नहीं है, अभी समय काफी कम बचा है क्योंकि ये सेशन पहले ही लेट हो रहा है। तो इसकी वजह से हम मान रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में अभी रीनीट होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट इफेक्टेड नहीं है, तो यह भी एक कारण है कि रीनीट नहीं होगा। तो मैं आपको अपने व्यू बताता हूं कि रीनीट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम है 22 की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें और एक अच्छे प्लानिंग के साथ में 22 का एग्जाम देने की तैयारी करें। अब बात करते हैं हम एनटीए द्वारा रिजल्ट कब आएगा, आंसर शीट कब आएगी और इसके बाद में ओमआर डिस्प्ले कब होगी। तो मैं आपको बताऊं कि एनटीए जनरली 28 डेज लेता है रिजल्ट अनाउंस करने में, जो प्रीवियस ईयर में देखा गया है। हालांकि पिछली बार इन्होंने 33 डेज के नियर बाय लिया था, क्योंकि पिछली बार तो एग्जाम दोबारा उन बच्चों की हुई थी जो बच्चे रह गए थे कोरोना की वजह से। तो इस बार तो ऐसा नहीं है, ऐसा दोबारा एग्जाम होने का इन बच्चों का अभी तक का कोई इस प्रकार से नहीं है कि इनका एग्जाम दोबारा हो सकता है जो बच्चे छूट गए हैं। तो हम मान रहे हैं कि ये 10 अक्टूबर के नियर बाय रिजल्ट आ जाएगा। 10 अक्टूबर से पहले पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है। जो आपके आंसर की और ओमआर डिस्प्ले है वो रिजल्ट से 2 या 3 दिन पहले डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि 7-8 तक ये डिस्प्ले हो सकती है। इसके बाद हम काउंसलिंग के बारे में बात करें कि एमसीसी की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रिजल्ट आने के 7 और 8 डेज के बीच बीच में ये स्टार्ट हो जाती है। जैसे 10th को अगर रिजल्ट आता है तो 18th अक्टूबर तक एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टेट्स की भी इसके साथ साथ 5-7 दिन बाद में स्टेट्स की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम मान रहे हैं कि स्टेट की काउंसलिंग 25 अक्टूबर तक स्टार्ट होने की संभावना है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट्स होती हैं और एमसीसी की काउंसलिंग 18th अक्टूबर तक स्टार्ट होने की संभावना है। रिजल्ट 10th अक्टूबर तक आने की संभावना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, काफी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने सोचा इसी के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट नई जानकारी के साथ में। तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।